ठीक है, पिछली क्लास में हमने मोस्टली यहीं पे खत्म किया था। व्हाट वी डिड, वी लुक्ड एट कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स, जिसमें आपने नोटिस किया था कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है। इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो उसको लिखूंगा मैं r इज मॉडुलस z, मींस उसकी डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, एंड थीटा इज द आई रिपीट, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, मोस्टली मैं आर्ग्यूमेंट बोलूंगा। ठीक है, अच्छा। अब हाँ, बहुत लोगों के मुझको ये मैसेज आते हैं, मैं अगेन बोलना चाहता हूँ, सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर इलेवन के कॉलेज के यूनिट टेस्ट आ रहा है, उसमें ये चैप्टर्स हैं, ये 6 चैप्टर्स हैं, इसमें से 4 हुए हैं, 2 नहीं हुए हैं। ठीक है, अगेन मैं 11th की पोर्शन की बात करता हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 11th कॉलेज। ठीक है, डोंट फोकस ऑन 11th, मतलब 12th में सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, यहाँ पे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। तो इन दिस फर्स्ट ईयर तुम्हारा फर्स्ट गोल होना चाहिए जेई की प्रिपरेशन। ठीक है, जेई की प्रिपरेशन। तो अगर मैथ्स में, मान लो मैथ्स में मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब जो जो चैप्टर हो गए उनको उनको बोर्ड्स की बुक से अपना पढ़ लो। उसके अलावा जो नहीं हुए हैं उनको अगर तुम्हारे टाइम मिल रहा है तो खुद से पढ़ लो, अगर नहीं मिल रहा है इट इज ओके फॉर 11th, इट इज ओके, 12th में डेफिनेटली वी विल फोकस। ठीक है, पार्थ नॉट टुडे। ठीक है, मतलब उसको दो थोड़ा सा पढ़ के जाओ, 11th के जो स्कूल के यूनिट टेस्ट होते हैं, मतलब 12th में हम ज्यादा फोकस करेंगे। राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन जेई प्रिपरेशन। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लो डिस्टर्ब होता है उससे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स को भी मनाओ। हाँ, यही बोल रहे हैं, पेरेंट्स को कैसे मनाएं, थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स को भी मनाओ। ठीक है, क्योंकि हम फॉर अस, मतलब यू आर नॉट नॉट द फर्स्ट बैच, पिछले 10 साल हो गए हो पढ़ाते हुए, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टिंक्शन रहता है कि इफ यू आर फोकसिंग ऑन बोर्ड्स, फोकस ऑन बोर्ड्स। तुम 11th में जेई के ऊपर फोकस करके बोर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। चलो वापस शुरू करते हैं। 12th में वी विल फोकस, 12th में हम बोर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू, स्पेशली बोर्ड्स या यूनिट टेस्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा दिए हैं चैप्टर्स, वो चैप्टर्स 100% पढ़ के जाओ। ठीक है, और थोड़ा सा स्कूल कॉलेज में बात करो कि कुछ वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बैंक होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुमको हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली टॉप नहीं करोगे तुम कॉलेज में, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, टॉप वही करेगा जो सिर्फ कॉलेज पढ़ रहा है, बट इट इज ओके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लो, कुछ ना कुछ करो। ठीक है, हाँ चलो शुरू करते हैं। ये हमने देखा था पोलर फॉर्म में आर मॉड्यूलस हो गया था, थीटा वाज द आर्गुमेंट। तो मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख देते हैं, विच बिकम्स आर सिस थीटा। पोलर फॉर्म मींस थीटा के टर्म्स में। ओके, तो जेड इज आर सिस थीटा। ठीक है, फिर मैंने नोटिस किया सिस 0 1 होता है, सिस 5/2 1 होता है, सीधे सीधे थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, सिस 0 1, सिस 5/2 1 नहीं होता था, शायद ये मैंने गलत सही भी कराया था पिछली बार, दिस वाज आई। ठीक है, सिस पाई -1 होता है, मॉड ऑफ सिस थीटा 1 होता है, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ सिस थीटा वुड बी रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली 1 होगा।
फिर 1/6 थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग। जिनाश बेटा why should I show first slide, पिछली क्लास का है ना ये सब। वन बाय सिक्स थीटा इज इक्वल टू, नोटिस करोगे सिस ऑफ माइनस थीटा बनता था, और सिमिलरली सिस थीटा का कॉन्जुगेट भी सिस ऑफ माइनस थीटा बनता था। तो ये प्रॉपर्टीज भी मैंने पिछली क्लास में सब लिखाई थी, राइट। साथ ही साथ मैंने शायद पीडीएफ भी शेयर कर दी है ना। ठीक है, जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर मैंने ऑब्वियसली कुछ कुछ प्रूफ दिखाया था, बट इन द एंड मैंने ये लिखा दिया था कि सिस थीटा इज इक्वल टू ई आई थीटा, सिस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, ये होता था यूलर्स फॉर्म। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। तो मुझको बताओ, अगर मैं ई की पावर आई पाई लिखूंगा तो ये क्या बनना चाहिए? ई की पावर आई पाई लिखूंगा तो ये क्या बनना चाहिए? दिस शुड बी सिस पाई, और सिस पाई मुझको पता है माइनस वन होता है। या e की पावर i पाई बाई 4 लिखूं तो क्या बनेगा? दिस बिकम सिस पाई बाई 4 विच इज 1 प्लस i। एक मिनट, ठीक है, हाँ वापस आ जाते हैं। तो सिस थीटा इज इक्वल टू ई आई थीटा, ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, सिस थीटा इज इक्वल टू ई आई थीटा। ओमकार बेटा, सबका ग्राफ नहीं होता, ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये लिखाया था मैंने कि नहीं लिखाया था? ये भी शायद लिखाया था, यहां पे भी आर होगा, ये भी लिखाया था, सिस थीटा वन इंटू सिस थीटा टू इज इक्वल टू सिस थीटा वन प्लस थीटा टू। ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन में जो होता है आर्ग्यूमेंट एड हो जाता है, प्रूफ इसका मैंने यूलर फॉर्म से दिखाया था। ठीक है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिस थीटा की पावर एन इज इक्वल टू सिस एन थीटा। ठीक है, यहां तक आई गेस हमने किया था, एम आई करेक्ट? सबको याद है यहां तक? वापस रिवाइज हो गया होगा? ठीक है, उसके बाद इसी को मैंने वापस लिखा दिया था, मतलब सेम चीज है। ठीक है, हर जगह 2 के पाई क्यों लिखा गया है? क्योंकि ऑब्वियसली 2 के पाई क्यों लिखा है? क्योंकि ऑब्वियसली वो 360 का मल्टीपल हो सकता है, राइट। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा ये हम देखना चाहेंगे। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा सबसे, ठीक है, हाँ, जो लोग बोल रहे हैं 2k पाई को 2n पाई भी लिख सकते हैं, 2a पाई भी लिख सकते हैं, वेयर k n a इज एनी इंटीजर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी वेरिएबल मानो, जनरली k या n माना जाता है इन जनरल। ठीक है, आगे बढ़े, यस। अब दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत लोग आंसर दे दिए हैं मुझको, बहुत लोगों मतलब 3 लोग। अब
अब 7-8 लोग दे दिए, ठीक है। हाँ अच्छा, इसको मैं दो तरह से करता हूं। चलो आई विल डू इट लाइक इन टू वेज, ठीक है, जिसमें आई गेस आप लोगों को भी इजी लगे। पहली चीज लिखाई होगा ऑलरेडी, शायद नहीं लिखा। सिर्फ पाई की वैल्यू क्या होती है? सिर्फ पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 का होल स्क्वायर विच इज 1। दिस इज वन ऑफ द वे। सिमिलरली मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी कि सिर्फ पाई की पावर 2 वुड बी सिर्फ 2 पाई। सिर्फ 2 पाई का मतलब cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। cos 2 पाई शायद 1 होता है और साइन 2 पाई 0 होता है। तो नोटिस करो, मैंने दूसरे मेथड से भी आंसर ले आया। एग्री? अब इसमें आपको थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा यूज एप्लीकेशन यूज हुआ, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? इसको क्या करना होगा? सबसे पहले मेरा काम होगा इसको मैं किसमें कन्वर्ट करूं? मैं इसको सिस में कन्वर्ट करूं, सिस में। आपको ये पता है ना इसकी वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। इज इट सिस पाई बाई 4 पावर 4? यस, विच इज सिस पाई विच इज -1। अब समझ में आया कितना इजी हो गया? अदरवाइज पावर 4 करना था तो मुझे क्या करना पड़ता? अदरवाइज मुझे पावर 4 करना होता तो पावर करनी पड़ती, मे बी पावर 4 कर लेते। लेकिन सपोज करो यही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं कि पावर 8 दे दिया होता, पावर 4 तक तो आप लोग थोड़ा थोड़ा फिर भी सोच सकते थे कि 4 बार पावर करनी है। पावर 8 कैसे करते? पावर 8 कैसे करते, ठीक है। सिस पाई बाई 4 की पावर 8। अब क्या होता? ये 8 कहां आता? यहां पे आ जाता, तो दिस बिकम सिस 8 पाई बाई 4 प्रॉपर्टी से, विच इज सिस 2 पाई, विच इज, मुझे आंसर पता है, विच इज 1, ठीक है। यहां पे 4 अंदर आया तो 4 पाई बाई 4 बिकम्स पाई, यहां पे 8 अंदर आया तो 8 पाई बाई 4 बिकम्स 2 पाई। ओके, तो ये मेरा ओवरऑल एप्लीकेशन रहा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं? क्वेश्चन कितना इजी कर रहा है जनरली? यस, आगे करते हैं। ये मोस्टली इजी पार्ट है, अभी नेक्स्ट 10-15 मिनट इजी पार्ट है, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आएगा, फिर इजी पार्ट आ जाएगा। होता है ना रोलर कोस्टर राइड, एक शायद बिल्कुल जब स्टार्टिंग में गेम आया था तो एक वो था कि कार है, वो नाम मैं भूल गया, वो माउंटेन्स बने रहते हैं उसके ऊपर कार चल रही है, डैशिंग कार, या पता नहीं, आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया। जब हिल हिल हाँ हिल हिल क्लाइंब रेसिंग, यस ठीक है, हिल क्लाइंब रेसिंग, ठीक है। तो वैसे ही है, एक्सप्रेस 1 + i√3 इन पोलर फॉर्म। ठीक है, या मैं हिल क्राइम रेसिंग की बात कर रहा था, किसी ने मुझसे पूछा सर और कितने लेक्चर में खत्म होगा ये चैप्टर? सबको टेंशन यही है कि लेक्चर चैप्टर कब खत्म होगा, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, मतलब इस वीक चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये मैंने शायद करवा दिया था, एक्सप्रेस दिस इन इन पोलर फॉर्म, शायद करा दिया था। सबसे पहले क्या करते थे, आई थिंक मॉड जेड की वैल्यू निकालते थे, मॉड जेड शायद 2 आता है, तो जेड इज इक्वल टू 1 plus i root 3, तो z इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लोगे, हाफ प्लस आई रूट थ्री बाई टू बनता है। और अगर थीटा देखोगे, थीटा वुड बी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, तो टैन इनवर्स टैन इनवर्स y बाई एक्स रूट थ्री बाई वन, तो आई गेस आपको पाई बाई 60 डिग्री ना, पाई बाई 3 दिख रहा है, या 60 डिग्री लिख लो, सेम ही चीज है, ठीक है। और नोटिस करो 2 cos 60, तो दिस बिकम्स 2 sis 60 डिग्री ना, ठीक है। प्रखर बेटा मॉड z निकालना तो बहुत बार हम देख चुके हैं ना बेटा, वो वापस क्यों बताऊं मैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुराना रिवाइज करके दो ना। ये क्लियर है सबको? तो क्या z sis 2 sis 60 डिग्री बना? क्या ये मेरा आंसर सही है? ये मेरा पोलर फॉर्म में आंसर है। अगर यूलर्स फॉर्म में आंसर पूछा गया होता तो यूलर्स फॉर्म में z क्या था, 2 इंटू ई की पावर आई पाई बाई 3 या आई 60 डिग्री। एग्री? तो पोलर फॉर्म में पूछा गया तो मैं आंसर पोलर फॉर्म में दूंगा, मैं मुझसे यूलर्स फॉर्म में पूछा गया तो मैं आंसर यूलर्स फॉर्म में दूंगा। ये मेरी अपनी मर्जी है, मतलब अपनी मर्जी क्या, क्वेश्चन की मर्जी है, ठीक है। ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़े। वही क्वेश्चन को मैंने वापस, अब पावर 6 पूछ ली गई है तो आंसर बताओ, सब लोग इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ, कुछ लोग 1 दे रहे हैं, कुछ लोग 2 दे रहे हैं। भावेश 2 कॉमन लेके आया था, सबको ये पता है दिस इज 260 डिग्री विच इज दिस ऑब्वियसली। याद करो ये 2 की पावर 6 भी आएगा ना आगे, 2 की पावर 6 into sis 6 into 60 degree which is 360 degree le lo ya 2 pi 64 correct am I correct great ठीक है आगे बढ़े।
तो अभी अब सबको एप्लीकेशन समझ में आ गया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी भी उसकी कोई भी हाईएस्ट पावर निकाल सकते हैं। जस्ट लिखा है अगर सिस ए प्लस सिस बी प्लस सिस सी जीरो है तो तुमको ये समझ में आता है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी भी जीरो होगा एंड साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी भी जीरो होगा। ये समझ में आता है अगर क्वेश्चन में ये गिवन है दिस इज गिवन तो ये दोनों रिजल्ट होंगे। यस क्योंकि ऑब्वियसली कॉस पार्ट रियल पार्ट के साथ एड होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ एड होगा और दोनों इंडिविजुअली जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होता है तो उसका रियल पार्ट भी जीरो होता है उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होता है। नेक्स्ट करें आगे करें ग्रेट ठीक है। हाँ इसका आंसर बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ सिस 5/4 याद करो ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस उसी तरह आर्ग्यूमेंट ऑफ सिस 5/4 आंसर बताओ। मतलब ये वैसे क्वेश्चन है जिसके लिए तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब होता है ना कुछ क्वेश्चंस के ऊपर पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है दिमाग चलता है दिमाग। यस आंसर आ रहे हैं सो हम चिंता कर बेटा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तुमको अच्छे से। इसको स्टेप बाय स्टेप लो सबसे पहले कौन सा आर्ग्यूमेंट सबसे पहले लेट मी थिंक अबाउट ओनली दिस पोर्शन आर्ग्यूमेंट ऑफ सिस 5/4 का आंसर क्या है 5/4 इतना तो सबको ही समझ में आता है तो कैन आई राइट दिस। अच्छा आर्ग्यूमेंट ऑफ 5/4 याद करो आर्ग्यूमेंट ऑफ 7 क्या आंसर होगा मैं सिंपली पूछ रहा हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ 7 का आंसर क्या होगा जीरो होगा ना याद करो आर्ग्यूमेंट ऑफ 7 आई मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आर्ग्यूमेंट ऑफ 7 आई 5/2 आर्ग्यूमेंट ऑफ -7 पाई यहां पे बेटा सोहम पार्थ थोड़ा सा मेहनत करो इन्फिनिटी आर्ग्यूमेंट कब से होने लग गया आर्ग्यूमेंट ऑफ -7 आई -5/2 ठीक है ये चीज समझ में आई सब ये मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया था तो आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई बाय फोर तो एक नंबर है ना पाई बाय फोर अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रह गया पाई बाय फोर इज अ रियल नंबर जिसकी कुछ वैल्यू होगी तो आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई बाय फोर वुड बी जीरो करेक्ट। ये सबको समझ में आया Is everyone clear till this? Yes. तो एक और क्वेश्चन इसी के नीचे इसका आंसर बताओ ओके गुड 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 काफी लोगों का गलत है और कुछ लोगों का सही है Not defined. क्योंकि याद है इसका आंसर जीरो है एंड
सबसे पहली चीज आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड, ठीक है, करेक्ट, गॉट इट। आगे बढ़े, नेक्स्ट वीक मेरी क्लास नहीं है, पता है, मतलब अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, नेक्स्ट वीक मेरी क्लास नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट वीक वेंसडे एंड फ्राइडे मेरी क्लास नहीं है, कैलकुलस न्यू ईयर पे शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट कैलकुलस ऑन न्यू ईयर ईव। यस, गुड, नेक्स्ट आते हैं, प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस सिस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाय टू। चलो क्वेश्चन करो सब लोग, प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ सिस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाय टू। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कैलकुलस यू विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक और फ्रॉम वेयर गौरव सर लेफ्ट। नहीं बच्चों, गौरव सर का कैलकुलस अलग है, मेरा कैलकुलस अलग है, मतलब मैथ्स का कैलकुलस कैलकुलस है, फिजिक्स का कैलकुलस फिजिक्स है, ठीक है, सो बहुत डिफरेंस आने वाला है। अगेन कैलकुलस स्टार्ट होने पे थोड़ी सी एक अच्छी बात ये रहेगी कि अगेन आपको अपने पाप धोने के चांसेस मिलेंगे, होता है ना, आप लोगों ने पिछले 6 महीने में जितने भी पाप किए हैं वो धोने के चांसेस मिलेंगे कैलकुलस से। कैलकुलस में जो रिक्वायरमेंट होगी, मे बी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, मतलब वो जो मैंने मॉड लॉग बेसिक साइन कॉस वो जो पढ़ा है, सिर्फ वो रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज सारी की सारी चीजें नहीं होगी। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, ओके, आपको स्ट्रेट लाइन सर्कल नहीं आता, इट इज ओके, आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज नहीं आता, इट इज ओके, ठीक है सर, लॉग नहीं हुआ है, कितनी बार यार बेसिक लॉग्स के लेक्चर लगे हैं ना, फिजिक्स वाले लॉग्स के लेक्चर लगे हैं ना, भूल गए हो कैसे, भूल गए, शायद अमन सर के लगे थे फिजिक्स लॉग्स के, हाँ, अगर किसी को कुछ नहीं आता तो इट इज ओके, राम भरोसे रहेंगे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट वन प्लस सिस अल्फा इज इक्वल, सॉरी, हो गया, किसका किसका प्रूव हो गया, किसका किसका प्रूव हो गया, ग्रेट, अच्छा वन प्लस सिस अल्फा है क्या, ये तो समझ में आया ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ वन प्लस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, यही पूछा गया है, अच्छा इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है क्या, यानी x और y क्या है इसका, इसका x और y क्या है, इसका x है 1 प्लस cos अल्फा एंड y है sin अल्फा, ये चीज समझ में आई, यस, क्योंकि वही चीज है ना, जो i के साथ है वो y है, जो बाकी बच गया वो x है, तो आंसर शुड बी दिस, आंसर शुड बी दिस। नाउ यहां पे आंसर में अगर ऑप्शन में ये आंसर होता तो छोड़ सकते थे, बट ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री लग रही होगी,
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही होगी। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? हाफ एंगल या डबल एंगल फॉर्मूला। साइन अल्फा क्या बनता है? 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस अल्फा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ऑब्वियसली इसमें कैंसिल कैंसिल क्या हो सकता है, 2 कैंसिल हो सकता है, एक कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है। तो इन द एंड मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, tan inverse of tan, obviously tan inverse tan cancel होगा, आंसर आएगा अल्फा by 2। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इज एवरी वन क्लियर टिल दिस पार्ट? ये बहुत बार 1 प्लस सिस अल्फा 1 माइनस सिस अल्फा, ये काफी बार आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज दिखेगी, 1 प्लस सिस अल्फा एंड 1 माइनस सिस अल्फा काफी बार दिखेगा अलग अलग क्वेश्चंस में। ठीक है, मैंने 1 प्लस सिस अल्फा का क्लास में करा दे रहा हूं, 1 माइनस सिस अल्फा का घर में सोचना। ठीक है, ये लिख लिया सबने? एवरीवन, न्यू ईयर से एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगी, मोस्टली वी विल डू कैलकुलस। जनवरी फरवरी हमारा मोस्टली फोकस होगा कैलकुलस पे। ठीक है, सेट्स रिलेशन, अच्छा कुछ लोगों के शायद यूनिट टेस्ट में सेट्स वेट्स भी आ रहा है, तो सेट्स भी पढ़ा दिया जाएगा, डोंट वरी, बोर्ड्स के हिसाब से सेट्स पढ़ा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेट्स रिलेशन। ठीक है, ठीक है, जनवरी फरवरी, फिर मार्च में पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला वो कोनिक कोनिक कर लेंगे। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। एक और उसी का एक सिंपल सा वर्जन, यहां पे क्या पूछा गया है, पिछले उसमें क्या पूछा गया था, आर्ग्यूमेंट पूछा गया था ना, यहां पे क्या पूछा गया है, मॉड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, उनका आर्ग्यूमेंट और उनका मॉड्यूलस। मॉड ऑफ 1 प्लस सिस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा बाई 2, लगाओ करो सॉल्व, अप्रूव करो। Everyone proved it. Done, done, very good. वही करना है, कुछ नहीं करना है, मॉड लगाना है, तो उसमें y by x कर रहे थे, इसमें रूट ऑफ x square plus y square कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा ओपन करोगे, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, दिस बिकम्स cos square plus sin square भी 2 plus 2 cos alpha बनेगा, फिर 2 कॉमन ले लेंगे, 1 plus cos alpha becomes 2 cos square alpha by 2, which is root laga hata diya. Agree? Everyone okay? Yes, great. ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक सबको समझ में आ गया? Is everyone clear till this point? किसी को कोई इशू नहीं? ठीक है,
यहाँ पे वन प्लस कॉस अल्फा में अगेन फॉर्मूला यूज कर लिया है, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा एक अच्छा पार्ट आता है, अच्छा मतलब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, जिसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ज्योमेट्री का पार्ट होता है, मतलब इससे तुमको थोड़ा सा ज्योमेट्री लगानी पड़ती है। इसके ऊपर भी सिंपल क्वेश्चन सी, जब जो पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पार्ट इजी होता है उसके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा आर सिस थीटा क्या होगा, आर सिस थीटा क्या होगा वुड बी, अगर ये आर सिस थीटा है तो ये थीटा होगा, ये आर होगा ना, ये अगर एक्स वाई है, एम आई करेक्ट, ठीक है। जस्ट मुझे बताओ, अगर मैं माइनस जेड की बात करूं, माइनस जेड, तो माइनस जेड तुमको ये समझ में आता है, माइनस जेड वुड बी माइनस आर सिस थीटा, लेकिन अगर नोटिस करोगे इट दिस वुड बी माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, तुमको समझ में आता है कि अगर मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये अगर मेरा z था z, तो माइनस z वुड बी ओरिजिन के एग्जैक्ट अपोजिट, ओरिजिन के एग्जैक्ट अपोजिट, एग्री, अच्छा क्या इसको, कैन आई राइट इट, मैं यहां पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, कैन आई राइट इट एज 180 प्लस थीटा, क्योंकि याद करो 180 प्लस थीटा कॉस और साइन 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं ना, तो क्या जो ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है वो सही है, तो कैन आई से कि मेरा इसका आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये थीटा होगा तो 180 प्लस थीटा होगा, जस्ट इतना समझो कि अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को वन से माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या बन गया, अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया उसका आर्ग्यूमेंट क्या बन गया, 180 प्लस थीटा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझको बताओ माइनस वन का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, माइनस वन का आर्ग्यूमेंट 180 होता है ना पाई, माइनस वन का आर्ग्यूमेंट पाई होता है ना, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एड हो जाता है ना, तो अगर एक थीटा आर्ग्यूमेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ मैंने माइनस वन यानी कि पाई आर्ग्यूमेंट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो द न्यू आर्ग्यूमेंट बिकम्स 180 प्लस थीटा। यहां पे मैं कहीं पे भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा मुझको ये बताओ, अगर ये z होगा तो z बार कहां होगा, z बार ये मैंने बता चुका हूं, z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस थीटा होगा ना, ठीक है। तो इस पेज पे मैंने दो चीज सीखी, इस पेज पे मैंने सिर्फ और सिर्फ दो चीज सीखी कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं माइनस वन से तो वो ओरिजिन के अपोजिट आ जाएगा, अगर मैं कॉन्जुगेट करता हूं तो वो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो उसके ओरिजिन के
अपोजिट साइड पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और अगर पुराना आर्गुमेंट थीटा तो नया आर्गुमेंट माइनस थीटा बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी की तरह भी लिखा है। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? यहां पे दो तरह के रोटेशन हो रहे हैं, रोटेशन ही हो रहा है ना, मतलब ठीक है। अब और भी कुछ रोटेशन में बताऊंगा, पहले कुछ रोटेशन देख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। अगर z इज इक्वल टू r cos थीटा है तो 2z क्या होगा? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूं, टू आर, ये सॉरी वो सिस था, कॉस थीटा गलत लिखा है एवरीवन, वो कॉस थीटा गलत लिखा है, दिस इज सिस थीटा। अगर जेड टू सिस थीटा है तो टू जेड टू आर सिस थीटा होगा। बेसिकली वेक्टर की तरह समझो ना, वेक्टर की तरह, अगर जेड अगर z x कॉमा y है तो 2z क्या होगा? उसी डायरेक्शन में आर्ग्यूमेंट रिमेन सेम, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेच हो जाएगा ना टू टाइम्स, स्ट्रेच हो जाएगा ना टू टाइम्स, आर्ग्यूमेंट चेंज क्यों नहीं हो रहा है? आर्ग्यूमेंट चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, 2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है एवरीवन? What is the argument of 2? Zero होता है। तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो it is just stretching by a factor of 2. Agree? Argument में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके modulus में चेंज हो जाएगा, it will become 2 times. ग्रेट, ठीक है। एवरीवन लिख लो, शायद मैंने लिखने का टाइम नहीं दिया है, लिख लो। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले पेज पे क्या हो रहा था, मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा था तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा था ओरिजिन के लिए, ओरिजिन से अगर मैं कॉन्जुगेट ले रहा था तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, अगर मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो टू टाइम्स स्ट्रेच हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उस पे अगर जेड इज इक्वल टू आर सिस थीटा है, यानी अगर z इज इक्वल टू r cis थीटा है, cis थीटा, ये z है, सॉरी ये 2 नहीं है एवरीवन, दिस इज z, और z को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, देखो z को किससे मल्टीप्लाई किया, cis अल्फा से, मैंने z को मल्टीप्लाई किया cis अल्फा से, तो z into cis alpha becomes r cis theta into cis alpha, which is cis of theta plus alpha. क्या हुआ? अब मुझे बताओ क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ argument change हुआ ना? ये अगर मेरा theta था, ये मेरा alpha था, तो basically तुमको ये समझ में आ रहा है? ये r cis थीटा प्लस अल्फा, ये मेरा रोटेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर
बाय एन अल्फा डिग्री, यहां पे वो जो रोटेशन वाला वर्ड आया, अब सबसे अच्छी तरह से तुमको समझ में आ रहा होगा कि अल्फा, अगर मैंने सिस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा डिग्री से रोटेट हो जाएगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो पॉजिटिव डायरेक्शन मानते थे, है ना। अब सिस अल्फा कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिस अल्फा, अल्फा मेरे पहले एग्जांपल में जिसमें माइनस वन था वहां पे अल्फा क्या था? पाई था। तो सिस अल्फा कुड बी एनी वैल्यू। मैं सिस अल्फा 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है अल्फा, तो 30 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, 45 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने कहीं पे भी माइनस वन से मल्टीप्लाई किया यानी पाई से रोटेट हो रहा है, अगर मैंने आई से मल्टीप्लाई किया, आई तो इसका मतलब मैं कितने डिग्री से रोटेट कर रहा होगा? यस, वो मेरे ने ये लिख लिया सबने। यहां पे रोटेशन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द रोटेशन। तो अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r इज इक्वल टू सिस थीटा, तो iz क्या होगा? मतलब मैंने i इंटू z किया है, दैट शुड बी r सिस थीटा प्लस पाई बाय 2। एम आई करेक्ट? ये क्लियर हुआ? ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी समझाता हूं, एग्जाम्पल भी समझाता हूं। z इज इक्वल टू 3 + 4i है, दोनों तरह से मैं समझाऊंगा। iz क्या होगा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सीधे सीधे? i इंटू 3 + 4i प्लस 4i² विच इज -4 + 3i होगा ना। iz would be -4 + 3i, ठीक है, क्लियर। अगर इस तरह से करेंगे तो ऐसा होगा, अगर दूसरी साइड तरह से देखेंगे तो 3 + 4i का मुझे आर्ग्यूमेंट पता होता है, ठीक है, मुझे 3 + 4i का आर्ग्यूमेंट पता होता है 53। तो 53 में मैं 90 ऐड करके फिर नया आर्ग्यूमेंट भी से भी निकाल सकता हूं। यहां पे 3 + 4i इज गेटिंग रोटेटेड बाय 90 डिग्री, यहां पे 3 + 4i इज गेटिंग रोटेटेड बाय 90 डिग्री व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय iz। Everyone, clear? Everyone clear? 3 + 4i का argument 53 डिग्री होगा, yes. Clear है ये चीज सबको? आगे बढ़े तो यहां इस तरह से हम रोटेशन समझते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन है कोई? अच्छा चलो कर ही लेते हैं, इसका आर्ग्यूमेंट और इसका मॉड निकालना है। अच्छा ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं।
अच्छा मुझको बस इतना बताओ दो, क्या मुझे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आर्ग्यूमेंट एंड मॉड निकालने के लिए, कि मैं कुछ प्रॉपर्टी लगा के कर सकता हूं? नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं पोलर फॉर्म करो, कुछ प्रॉपर्टी नहीं, पोलर फॉर्म नहीं, मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी, समझो सब लोग समझो, कुछ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वुड बी आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस होल थिंग, समझो सब लोग, क्योंकि आप लोग बहुत बहुत अदरवाइज बहुत बड़ा और बहुत गंदे फॉर्म में आ रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ये डिवीजन में आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं? डिवीजन का मतलब क्या, इस क्या ये चीज को कैन आई राइट इट लाइक दिस? कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, वेरी गुड। अच्छा, पावर, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी पावर में क्या होती है? पावर में 8 आर्ग्यूमेंट ऑफ ठीक है, करेक्ट, एम आई करेक्ट? अब क्या तुम रूट 3+1 का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो? रूट 3+i का, रूट 3+i का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पाई बाय 6, 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री, तो 8 × 30 degrees -4, 1 - i का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? -45 degrees। यहां तक करेक्ट है? इन दोनों का एडिशन क्या हुआ? -420 degrees सही है? क्या आंसर 420 degrees है? क्या आंसर 420 degrees लिखोगे? नहीं, याद करो इसके आगे +2kπ भी होता था, +2kπ, मतलब मैं प्लस या -2kπ करके इस आंसर को 0 से 360 degrees, अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है तो -180 से 180 degrees ला सकता हूं, ठीक है? तो 420 degrees इज इक्वल टू, समझ में आया ना? इस वजह से वो मैंने किसी भी स्टेप पे 2kπ नहीं लिखा था, वो मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप पे कर लिखूंगा, ठीक है? दिस इज द आंसर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अच्छा, सिमिलरली जैसे आपने आर्ग्यूमेंट किया है उसी तरह से मैं मॉड भी करूंगा, मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ √3+i^8, ठीक है, और मॉड ऑफ 1 - i^8, याद करो, सॉरी मॉड में पावर बाहर चली जाती है, ठीक है, √3+i वुड बी 2^8, और 1 - i वुड बी √2^4, तो 2^8 / 2^2 मेरे हिसाब से
2 की पावर 6 होगा, 2 की पावर 6 वुड बी 64, ठीक है। एग्री, एवरीवन क्लियर? तो दिस वे मैंने कोई भी, क्या इसमें कोई भी डिफिकल्ट पोर्शन था? ठीक है वेदांत जाधव बेटा, 60 डिग्री, 420 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री बेटा, नहीं पूछना चाहिए ये क्वेश्चन तुम्हें मुझसे, 420 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, why आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन? 11th में पढ़ चुके, मतलब 360 डिग्री, किसी भी डिग्री में 360 डिग्री प्लस माइनस कर सकते हो ना, हाउ 420 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, उसमें 420 डिग्री इज 60 डिग्री, मतलब राइट 360 प्लस 60 डिग्री इन थोड़ा सा, और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर तो मैंने बहुत कुछ कराया है, वापस ट्रिग्नोमेट्री का भी मतलब बहुत कुछ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में मिला है, am I correct? सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली स्पेसिफिक, एनी नॉट स्पेसिफिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब मैंने तो नीट वालों के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी, क्लियर? आगे बढ़े, तो यहां पे मॉड और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज मैंने यूज की, मुझे और कुछ भी नहीं करना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करना था, ग्रेट, ठीक है, वो सब लिखा है, वो सब मुझे वापस लिखाने की जरूरत नहीं है, I don't need to tell you this. Do I need to tell you this? Argument of z plus argument of mod z bar is equal to zero. एक का अगर थीटा होता है तो एक का माइनस थीटा होता है, ठीक है, लिखो भी नहीं है इसको, कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है, अच्छा नहीं वेदांत यादव कन्फर्म मत किया करो बेटा, बी कॉन्फिडेंट, यू गाइज आर स्मार्ट इनफ, ठीक है, You guys are smart enough. अगर Z1, Z2, Z3 ये है, थोड़ा सा minute सा change होगा हर question में शायद, हर find k if this is equal to this, ठीक है, दो मिनट है आप लोगों के पास, कीजिए, ठीक है, everyone do this. I'll just come.
के की वैल्यू आई, यस गुड, काफी लोगों की के की वैल्यू आ गई है, आंसर सही है। ठीक है, ऑब्वियसली मॉड जेड वन, मॉड जेड टू और मॉड जेड थ्री हम मुझको अलग से निकालना होगा। कैसे निकालेंगे वो, वही चीज, अपनी प्रॉपर्टी जो अभी इससे पहले वाली अपनी प्रॉपर्टी थी ना, कि मुझे पूरा सॉल्व करके नहीं है। सो इस तरह से होगा, ठीक है। मॉड जेड वन की वैल्यू 1 by root 2 means this, ठीक है। एवरीवन, तो ये मेरी मॉड जेड की वैल्यू हुई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मॉड जेड टू की भी वैल्यू निकालूंगा, उसकी भी वैल्यू ये आएगी, और जेड थ्री की भी वैल्यू निकालूंगा, उसकी भी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। एवरीवन, इन द एंड तीनों की वैल्यू सेम आएगी, उसके बाद मैं पुट कर दूंगा। तो ये वैल्यू निकालना आपको अलग से पता होना चाहिए, ठीक है। मॉड जेड वन, मॉड जेड टू, मॉड जेड थ्री अलग से निकाल के फिर उनकी वैल्यू पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तीनों की वैल्यू 2 की पावर माइनस 1 बाई 12 आती है, फिर ऑब्वियसली If Z1 plus Z1 bar are adjacent vertices of a regular hexagon, given that imaginary part of Z1 is equal to 1, find area of hexagon. अब यहां पे rotation का use आने वाला है, ठीक है। अब यहां पे rotation का use आने वाला है, okay? Z1 and Z1 bar are adjacent vertices of a regular hexagon. Given that imaginary part of Z1 is 1, find the area of hexagon. ठीक है? Hopefully सबको अच्छी क्लास समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन इसके बाद और करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, ठीक है? प्रखर बेटा थोड़ी सी और मेहनत करो, रिवाइज करो, अगर किसी को कुछ भी इश्यू आ रहा है वापस रिवाइज करना, समझ में आएगा, ठीक है। ये फिगर से सोचना, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फिगर के बारे में सोचना, ठीक है, कैसे हो, कैसे आएगा। ओके केशा, थोड़ा सा मैं आइडिया दूं, ये Z1 है,
तो व्हाट इज जेड वन बार? क्या जेड वन बार ये होगा? ठीक है, अगर ये दोनों एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं, तो दिस वुड बी वन ऑफ द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन. डू यू गाइज एग्री? ठीक है, अच्छा, Z1 का इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो इसका मतलब क्या वैल्यू 1 है? X की वैल्यू कि Y की वैल्यू? Y की वैल्यू 1 है. तो तुमको ये समझ में आता है कि ये वैल्यू 1 है, ये हाइट 1 है, हाइट Z1 की. अच्छा, अगर ऊपर हाइट 1 है तो नीचे वाली भी हाइट क्या होगी? 1 होगी. तो मुझको बताओ Z1 एंड Z1, कुछ लोग माइनस 1 बोल रहे हैं, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की. वैल्यू वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, बट हाइट तो उसकी भी 1 होगी ना. ठीक है, तो मुझको ये बताओ, मुझको ये बताओ, ओवरऑल ओवरऑल Z1 और Z1 बार के बीच की डिस्टेंस, मतलब साइड ऑफ हेक्सागॉन क्या हुआ? इज इक्वल टू 2. वन साइड ऑफ हेक्सागॉन हो गया 2. तो याद करो, अगर एक साइड हेक्सागॉन की 2 हुई, तो आप लोगों को आइडिया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हेक्सागॉन, समझ में आता है क्या होता है? हेक्सागॉन वुड बी 6 साइडेड रेगुलर हेक्सागॉन, जिसमें ये 6 तरह के इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे होंगे. ठीक है, तो मुझको बताओ, अगर साइड ऑफ हेक्सागॉन 2 है, तो एरिया ऑफ हेक्सागॉन क्या होगा? या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड ए है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 3/4 ए स्क्वायर ना, रूट 3/4 ए स्क्वायर. तो तुमको यह समझ में आ रहा है कि एक साइड, एक ट्राइंगल का एरिया होगा आई थिंक रूट 3. तो ऐसे टोटल 6 ट्राइंगल बन रहे होंगे, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे होंगे, तो आंसर वुड बी 6√3. आंसर वुड बी 6√3. करेक्ट. ठीक है, 6√3 स्क्वायर यूनिट्स. करेक्ट. इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेंस में आता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन. आगे बढ़े. एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे. एवरीवन, विल डू वन मोर क्वेश्चन, देन टेक अ ब्रेक. ठीक है, ब्रेक के बाद भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं, वो दैट इज द काइंड ऑफ, मतलब वो लास्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट होती है और जो नेक्स्ट क्लास में ओवर होगी. ये वाला नहीं था, सॉरी. हाँ, दिस. इफ पी इज 2 2+3i, इफ पी इज 2+3i एंड पी इज रिलेटेड, नहीं रोटेटेड लिखा है, वो रोटेटेड है,
rotated by 90 degree in clockwise and anti-clockwise direction to get Q and R. Find Q and R and also the area of the triangle. ठीक है, simply Q and R निकाल लो, Q and R निकाल लो. ठीक है, everyone Q and R निकाल लो. ठीक है, सिर्फ मुझे Q and R निकाल लो, उसके बाद ब्रेक लेते हैं. क्योंकि अगर मुझे तीन तीन साइड तीन पॉइंट पता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में वो अपना फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का वो तो कर सकते हो. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, तो एक बार मैं 2 प्लस 3 आई को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आई से. और एक बार 2 प्लस 3 आई को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस आई से. ठीक है, तो अगर ये 2 प्लस 3 आई है तो एक साइड बन जाएगा टू प्लस थ्री आई करूंगा तो एक बार बन जाएगा आई थिंक माइनस थ्री प्लस टू आई. और अगर माइनस आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा थ्री माइनस टू आई. एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट एवरीवन? यस. ठीक है, ठीक है, ग्रेट. चलो एवरीवन ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, 15 मिनट बाद मिलते हैं. ठीक है, एवरीवन ब्रेक नाउ, 15 मिनट बाद मिलते हैं.
एवरीवन, एम आई ऑडिबल? ग्रेट, शुरू करें। यस, ठीक है। आई गेस ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देता हूं। टू एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर आर ओरिजिन एंड 3 + 4i, फाइंड द अदर टू वर्टाइसेस। ठीक है, एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। एक स्क्वायर है जिसके दो एडजेसेंट वर्टाइसेस दे रखे हैं विच आर ओरिजिन, आई रिपीट, विच आर ओरिजिन एंड 3 + 4i। आपको बाकी दो वर्टेक्स निकालने हैं। ठीक है, यस, चलो करो। एवरीवन डू दिस। हाँ अद्वैत, करो, सब लोग करो। ऑब्वियसली अपने पुरानी थ्योरी का ही एप्लीकेशन होगा, ऐसा कुछ वो नहीं होगा कि पुरानी थ्योरी का ही एप्लीकेशन होगा। दो वर्टेक्स दे रखे हैं, बाकी दो वर्टेक्स निकालने हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर व्हेन विल द लेक्चर एंड। बेटा अभी क्वेश्चन कर लो लेक्चर, ठीक है। मैं बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की थ्योरी बता के लेक्चर एंड करूंगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इंट्रोड्यूस करके लेक्चर एंड करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करेंगे एंड nth रूट ऑफ यूनिटी करेंगे, दैट्स इट। ये दोनों करके हम नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। आज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया है, एक वर्टेक्स मेरा ओरिजिन दिया है और एक वर्टेक्स मेरा 3 + 4i दिया है। अच्छा, मुझको बताओ अगर मुझे इसके ऊपर स्क्वायर बनाना है, इसके ऊपर स्क्वायर बनाना है, क्या वो स्क्वायर ये होगा? Is everyone clear with this thing? ठीक है, this वो स्क्वायर ये होगा, yes। कुछ लोग बोल रहे हैं अदर साइड भी होगा, ऑब्वियसली अदर साइड भी होगा। सबसे पहले मैं एक साइड का सोचता हूं, ठीक है। तो एक साइड पे मुझे कितने वर्टेक्स निकालने हैं? दो वर्टेक्स निकालने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, ये वाला वर्टेक्स निकालने में कोई भी इशू नहीं होगा, सबसे इजी है ये वर्टेक्स निकालना। क्यों? व्हाट इज दिस वर्टेक्स? रोटेशन बाय 90 डिग्री। अगर मुझे इसको रोटेट करना है 90 डिग्री से तो क्या होगा? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये ए बी सी डी है तो जो मेरा d इज i टाइम्स 3 + 4i, विच इज, ठीक है। वॉट अबाउट c? c के बारे में क्वेश्चन इसमें c के ऊपर है, c कैसे निकलेगा? c में क्या रोटेशन हो रहा है? What is the rotation in C?
सी में 45 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। पहली बात ये समझो, सी में 45 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। ये एंगल ऑब्वियसली डायगोनल है, विच इज 45 डिग्री। ये समझ में आता है? ठीक है। अच्छा, सिर्फ 45 डिग्री का रोटेशन हो रहा है कि वो स्ट्रेच भी हो रहा है? अगर सिर्फ 45, क्या साइड्स और डायगोनल की लेंथ में कोई चेंज होता है? रूट टू टाइम्स होता है ना। तो कैन आई राइट सी इज इक्वल टू रूट टू? रूट टू क्यों? क्योंकि मुझे साइड को रूट टू टाइम्स स्ट्रेच करना होगा। रूट टू सिर्फ 45 डिग्री इंटू 3 + 4i। क्या हुआ है? 3 + 4i को मैंने 45 डिग्री रोटेट किया है एज वेल एज रूट टू टाइम्स स्ट्रेच किया है, तब मुझे डायगोनल मिलेगा। एम आई करेक्ट? ये समझो, एम आई करेक्ट विद दिस? आई एम रोटेटिंग बी बाय 45 डिग्री एंड स्ट्रेचिंग इट बाय रूट टू टाइम्स। अब ये कैसे निकलेगा? सीधे सीधे दो तरह से इसको सीधे बेसिक है, मल्टीप्लाई कर दो। सिस 45 क्या होता है? 1/√2 + i/√2। रूट टू अंदर कर दोगे, रूट टू अंदर आ जाएगा, 1 + i, 3 + 4i, मल्टीप्लाई कर दो, 1 + i तो 3 + 4i + 3i -4, तो आई गेस -1 + 7i बनेगा। -1 + 7i, ये चीज समझिए आप लोग। ये समझे? -1 + 7i, ठीक है। This is the pure application of rotation. अगर यही equilateral triangle हो रहा होता तो सिर्फ 60 डिग्री का रोटेशन होता। क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है ना। स्क्वायर है तो एक 90 डिग्री है डायगोनली अपोजिट के लिए, 45 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो मैं साइड सेम होता तो मैं 60 डिग्री रोटेट कर रहा होता। क्वेश्चन में चेंजेस उस तरह से होंगे। सिमिलरली जैसे ऊपर एक बना है उसी तरह एक नीचे भी बनेगा, उसमें भी वही दो चीज होंगी। एक बार डी डैश है और ये सी डैश है। सी डैश के लिए रूट टू सिर्फ -45 डिग्री होगा। एंड डी डैश के लिए -i 3 + 4i होगा। एग्री? इज एवरीवन क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है। तो ये रोटेशन का पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने अभी तक सिर्फ मैं आई सिर्फ या तो रोटेट कर रहा था या स्ट्रेच कर रहा था। इस क्वेश्चन में मैंने रोटेट भी किया और स्ट्रेच भी किया क्योंकि साइड को रोटेट करके मुझे डायगोनल बनाना था। तो साइड को 45 डिग्री रोटेट करके मैंने रूट टू टाइम स्ट्रेच कर दिया। गॉट इट? सबको ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू कॉस थीटा। अगेन मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है कि कहीं ना कहीं इफ यू आर फोकसिंग ऑन मेंस एंड एडवांस, आपके लिए बोर्ड सेकेंडरी होता है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों के कुछ बोर्ड्स के लेक्चर लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं लगे रहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, बट बोर्ड्स एंड जेई मेंस आर टू डिफरेंट गेम, ठीक है। तो एक एक घंटा एक एक वो चीज इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। और अगर एडवांस का सोच रहे हो, अगर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एडवांस, तो फिर तो मैं कहीं बोर्ड्स पे टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एडवांस फॉर श्योर, ठीक है। एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू कॉस थीटा है। आई रिपीट एवरीवन, दिस इज टू कॉस थीटा, टू सिस थीटा नहीं है, इट इज टू कॉस थीटा। करो करो इसको सब लोग। आंसर बताओ इसका। सोचो, इसमें टाइम दो और आंसर बताओ। सॉल्व करें, कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, बिना x की वैल्यू निकाले तो मैं क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकता। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू कॉस थीटा इंटू एक्स, यहाँ पे x भी आएगा। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स काम मिस हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नोटिस करोगे एक्स की वैल्यू आती है कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, एक्स की वैल्यू आती है कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। पता है ये क्या है? इसका मतलब एक्स क्या है? एक्स इज सिस थीटा या फिर एक्स इज सिस ऑफ माइनस थीटा। ये चीज आपको समझ में आई?
एक्स इज सिस थीटा या सिस माइनस थीटा, क्योंकि मैंने सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जो वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वो वैल्यू तो निकालनी है मुझको। सिस थीटा की पावर एन प्लस वन अपॉन सिस थीटा की पावर एन, क्या ये आंसर सही है? सिस एन थीटा प्लस सिस माइनस एन थीटा विच इज कॉस एन थीटा प्लस आई सिन एन थीटा कॉस ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आई, ये एन एन है, सॉरी यहां पे भी एन रहेगा, यहां पे भी आई साइन ऑफ माइनस एन थीटा, ठीक है, ये सही लिखा है। तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, क्योंकि कॉस के अंदर का माइनस बाहर नहीं निकलता लेकिन साइन के अंदर का माइनस, तो साइन वाला पोर्शन कैंसिल हो जा रहा है, आंसर आ जा रहा है टू कॉस एन थीटा, दिस इज माय आंसर एवरीवन, दिस इज माय आंसर। Is everyone clear till this point? तो इस तरह से वैल्यू निकाली गई यहां पे। आंसर है 2 cos n theta। अगर आप सिस ऑफ माइनस थीटा भी लेके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। अगर किसी को करना है वो घर पे ट्राई कर लेगा। आप दोनों में कोई भी वैल्यू लेंगे, चाहे सिस थीटा लें चाहे सिस माइनस थीटा लें, दोनों में आंसर कॉस एन थीटा आएगा। आगे बढ़े, एवरीवन हेडिंग डालो, कुछ 10 से 15 मिनट इसके ऊपर फोकस करेंगे। एक बार आपको इंट्रोडक्शन दूंगा आज, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली इसी के ऊपर मैं डेवलप करूंगा। नेक्स्ट क्लास वुड बी बेस्ड ऑन दिस, जैसे पिछली बार भी मैंने किया था। मोस्टली क्या बताया था पिछली बार, शायद पिछली बार क्या बताया था, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी बताया था, फिर आगे बताया था, फिर आज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर फोकस करूंगा अभी नेक्स्ट 15 मिनट, ठीक है। एवरीवन वेट फॉर 15-20 मिनट्स, बहुत आराम से चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे, जितना आराम से चल सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इंग्लिश सबको पता है, इंग्लिश सबको पता है ना, हर एक वर्ड सबको समझ में आता है, क्यूब रूट भी पता होता है, यूनिटी भी पता होता है। आंसर मतलब यूनिटी मतलब वन, ठीक है। तो अगर मैं क्यूब रूट ऑफ वन निकालूं, आंसर क्या आना चाहिए? वन। तो फिर क्वेश्चन कहां से आ गया? अगर इतना ही सिंपल सा होता तो फिर ये चीज पूछी क्यों जाती, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? किसी और चैप्टर में अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछा जाएगा, आई रिपीट, किसी और चैप्टर में अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछा जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? वन। कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा जाएगा तो आंसर वन नहीं रहेगा, मतलब वन भी रहेगा और भी रहेंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये सबको पता है, वन और माइनस वन होती है। क्यों होती है? शायद मैंने सबसे पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं सर एक्स स्क्वायर इधर ले चले गए, स्क्वायर रूट ऑफ वन तो वन रहेगा, दो आंसर कैसे आ रहे हैं? मैं हमेशा बोलता था कि सॉल्व कैसे किया जाता है, हाउ डू यू सॉल्व दिस,
हाउ डू यू सॉल्व दिस? वॉट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग? एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वी फैक्टराइज. एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. कभी भी मैं स्क्वायर रूट नहीं लेता हूं, ठीक है. तो अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन है तो इसमें भी पहला स्टेप क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. नाउ क्या ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है? इज इट द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब? क्या उसका फैक्टराइजेशन आपको पता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पता होना चाहिए. तो इसका फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए, ये होता है फैक्टराइजेशन. Is everyone? X minus 1, x square plus x plus 1 is equal to 0. यहां तक सबको क्लियर है? एक मिनट रुक. सॉरी गला थोड़ा सा. यहां तक सबको क्लियर है? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिर्फ और सिर्फ मैंने फैक्टराइजेशन की, ठीक है. अब यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया क्वेश्चन में. x इज इक्वल टू वन का तो रियल रूट होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस वन इक्वल टू जीरो. इसके दो इमेजिनरी रूट्स होंगे जो कि आज तक हम कभी नहीं देखते थे. क्यों? क्योंकि हमें इमेजिनरी रूट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते थे किसी दूसरे चैप्टर में. ये माइनस थ्री ऐसे लिखो यहां. एग्री? देखो क्या एक्स की तीन वैल्यू है? एवरीवन, क्या x की तीन वैल्यू है? x की एक वैल्यू है वन, दूसरी वैल्यू है माइनस. यानी x की मेरे पास तीन वैल्यू निकली. मैं यहां पे लिख रहा हूं x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू. अच्छा, जस्ट आस्किंग, ये सब तो अपने कौन से फॉर्म में है? एक्स एंड वाई के फॉर्म में. क्या मैं इसको पोलर फॉर्म में भी लिख सकता हूं? वन पोलर फॉर्म में क्या होगा? वन पोलर फॉर्म में क्या होगा? सिस जीरो माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू. अगर इसका पोलर फॉर्म लिखोगे तो सिस 120 डिग्री मिलेगा.
करके देख लेना, क्योंकि पोलर फॉर्म निकालना तो सबको आ गया है ना। किस क्वाड्रेंट का है ये, विच क्वाड्रेंट इज दिस, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर आपको पता होता है पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का है। अगर मैंने सिंपली सिस ऑफ माइनस 120 या फिर सिस 240 डिग्री, मतलब मैं यहां पे ये जो आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूं ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की तरह नहीं देख रहा हूं, 0, 120, 240 डिग्री, जिसको लोगों ने लिखना शुरू किया 1 सिस 2 पाई बाई 3 सिस 4 पाई बाई 3, एम आई करेक्ट। 2 पाई बाई 3 भी 120 है, 4 पाई बाई 3 240 है। एक मिनट, सॉरी। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस, ठीक है। आई डोंट वरी, यहां पे मैं बहुत आराम से चलना चाह रहा हूं, जिसमें वापस मैं रिपीट करूंगा ये चीज नेक्स्ट क्लास में भी। क्या तीन आंसर आए, क्या तीन आंसर आए, 1 सिस 2 पाई बाई 3 सिस 4 पाई बाई 3। 1 को तो किसी ने कुछ अलग नाम देने की सोचा भी नहीं, क्योंकि 1 तो बहुत ही कॉमन नाम है। लोगों ने सोचा सिस 2 पाई बाई 3 को मैं ओमेगा बोलता हूं, W नहीं, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो W है, ओमेगा। इसका ये एक थोड़ा सा आगे वाला W का ये थोड़ा सा एंगल होता है, ठीक है। और नोटिस करो, अगर सिस 2 पाई बाई 3 का मैं स्क्वायर करता हूं, मैं स्क्वायर करूं इसका, तो क्या ये सिस 4 पाई बाई 3 बनेगा, तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू सिस 2 पाई बाई 3 या सिस 120 डिग्री। Everyone clear with this? One omega omega square, ठीक है, अच्छा। इसको वापस एक और तरह से मैं समझाऊंगा, ठीक है, बस वो समझा के मैं क्लास एंड करूंगा, तो सब लोग जिंदा रहो। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बेसिकली अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं, मैंने नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, बहुत ज्यादा ही मजेदार था, मैं ग्राफिकली समझाने की करूं तो सिस जीरो क्या होगा, क्या सिस जीरो ये लाइन होगी, सिस जीरो यानी कि 1, 1, 0, सिस 2 पाई बाई 3 सिस 120 डिग्री वुड बी दिस लाइन, सिस 240 डिग्री वुड बी दिस। तो देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेरे पूरे 360 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तीन पार्ट में, कितने एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे, बेसिकली 360 को वो तीन पार्ट में डिवाइड करता है, 0, 120 एंड 240। उसके बाद 240 के बाद वो वापस कहां जाएगा, 0 पे। इज एवरीवन क्लियर, ठीक है। इसको एक और तरह से मैं समझाऊंगा, तीन तरह से मैं समझा रहा हूं इसको। क्या ओमेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 मुझे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू 1 सिस 2 पाई बाई 3 सिस 4 पाई बाई 3 दिख रहा है आप लोगों को, जिसको मैंने
denoted by 1 omega omega square. अच्छा, x cube is equal to 1. 1 को अगर मैं polar form में लिखूं तो 1 is, 1 की value क्या है? Sys 0. Am I correct? कोई और भी value है sys के terms में 1 की? कोई और भी वैल्यू है? यस, गुड नील. सिस 2 पाई भी है, एम आई करेक्ट? सिस 2 पाई, सिस 360 डिग्री, गुड एडवाइस. सिस 4 पाई भी होगी, सिस 6 पाई भी होगी. यस, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? एक्स क्यूब इज इक्वल टू सिस 0, सिस 2 पाई, सिस 4 पाई, सिस पाई, डॉट डॉट डॉट. ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी. यस, इतना क्लियर है. अच्छा, एक्स इज इक्वल टू सिस 0. याद करो, अगर 3 दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? पावर 3 दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? 1 by 3. एक और मैं इसके आगे लिख देता हूं, सिस पाई की पावर 1/3. तो 1 सिस 2π/3, सिस 4π/3. ये क्या बनेगा? क्या ये रिपीट होना शुरू कर दे रहा है? तो क्या मुझे इसको लिखने की जरूरत है वापस से, सिस 2 पाई? नहीं, क्योंकि सिस 2 पाई बिकम्स 1. तो समझ में आ रहा है, अगर क्यूब है तो मुझे 3 रूट्स मिलेंगे और वो तीनों रूट मेरे 0 से 360 डिग्री के बीच मुझको मिल जाएंगे. दिस इज द अदर वे टू राइट. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन टिल दिस पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं यहां तक वापस समझाऊंगा एक बार, क्योंकि अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, इट इज ओके. ठीक है, ये जो थर्ड मेथड है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि थर्ड मेथड मैंने क्यूब रूट निकालना है. क्यूब रूट की जगह अगर मुझे पावर 4 भी होता तब भी इससे निकल सकता था, पावर 5 भी होता इससे निकल सकता था, पावर 100 होता तब भी वो इससे निकल सकता था. ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. इसके बाद प्रॉपर्टीज भी होती है, बट प्रॉपर्टीज आज मैं नहीं समझाऊंगा, कल की नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा. मैं फ्राइडे को समझाऊंगा और फ्राइडे मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा. किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है. एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग, दे कैन आस्क मी. गुड नाइट. यस अद्वेद, ओके, तो थैंक यू. हाँ, किसी को अगर लेक्चर हैवी लगा होगा, डोंट वरी, कॉम्प्लेक्स नंबर होता भी थोड़ा सा हैवी है, इट इज ओके. यस आई विल हैव डिनर, सो हम थोड़ा सा प्रणय सर के साथ बैठो. पार्थ तुम भी डिनर में, आज सूप है, आज मैं सूप पीऊंगा. अनुज आई विल, नहीं मैंने स्पाइडरमैन मूवी नहीं देखी है. नहीं, स्पॉइलर नहीं चाहिए. वरद जनवरी से, चिकन सूप पीऊंगा, चिकन नूडल सूप बेसिकली. नहीं सोहम, किसी ने नहीं बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर इजी चैप्टर है. व्हेन विद रेस्पेक्ट टू मेंस इट इज इजी, विद रेस्पेक्ट टू एडवांस इट इज डिफिकल्ट. हाँ यश, मैं बात करूंगा योगेश सर से. जिमिंग मेरी मॉर्निंग में चल रही है. सुजेश कॉम्प्लेक्स नंबर का रखते हैं. कितने क्वेश्चन करने चाहिए? यू शुड सॉल्व,
मैथ्स के मतलब मैथ क्वेश्चन क्या क्वेश्चन से नहीं, दिन में तुम्हें तुम्हारी सेल्फ स्टडी मिनिमम 3 to 5 आवर्स की होनी चाहिए सेल्फ स्टडी, अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स और भी जो हो रहे हैं। हाँ अद्वैत कभी कभी, यस वरद ऑब्वियसली अलाउ होगा, आईआईटी गुवाहाटी विजिट करना, मेरा ही मतलब मेरा ही इंस्टीट्यूट है, निकल गए इंस्टीट्यूट से तो ऐसा थोड़ी होगा वो बंद कर देंगे, अभी भी मेरे पास आई कार्ड रखा है उसका। कभी आईटी बॉम्बे जाना होता तो वो आई कार्ड दिखा के जा सकता हूँ। हाउ मेनी क्वेश्चंस पर डे, क्वेश्चंस नहीं, मिनिमम 5 आवर्स पर डे ऑफ स्टडीज अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग। घर पे रखा है चेतन, मैं दिखा दूंगा किसी दिन, आई कार्ड दिखा दूंगा, उसमें बच्चा लग रहा हूं। मैंने तुमको या किसी दूसरे बैच को अपनी डिग्री भी दिखाई थी तुम्हारे सीनियर्स को दिखाई थी शायद, जब मैं अपने होम टाउन में था, मैं डिग्री मेरे होम टाउन पे रखी है। क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है, 5 आवर्स ओनली फॉर मैथ्स, नहीं, मतलब 5 घंटे जितना भी है, ठीक है, मिनिमम 5 आवर्स अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स। ऑब्वियसली लेक्चर आपके 4 से 5 घंटे के लेक्चर हो जाते हैं, कहीं कुछ टेस्ट हो जाता है तो 12 घंटे हो जाते हैं। मेरा होम टाउन लखनऊ में है। एडवांस वालों के लिए नो लिमिट, एडवांस वालों को जितना टाइम मिले सब देना चाहिए पढ़ाई के लिए, ठीक है, एडवांस वालों को कुछ नहीं। मैं जब प्रिपरेशन करता था तो कुछ और नहीं करता था, सिर्फ स्टडीज पे फोकस करता था। नहीं केशा, कैटरीना नहीं आती मेरे जिम में, विकी कौशल आता है, कैटरीना का कोई जिम अलग होगा। मुझे कितने मार्क्स मिले थे मैथ्स में? मुझे 180 मार्क्स था, मेरा जेई मेंस था उस टाइम, जेई मेंस वॉज जेई एडवांस कहा जाता था। 180 मार्क्स में मुझे 108 मार्क्स मिले थे, तब मेरी रैंक 800 थी, 829। जिम का नाम है वाई नॉट फिटनेस। ठीक है, चलो एवरीवन डन फॉर द डे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर राउंड, हाँ मिलते हैं, ठीक है। मेरे एग्जाम में, मेरे टाइम में 2 एग्जाम होते थे, प्री एंड मेंस होते थे, अब उसको मेंस एंड एडवांस बोल दिया गया है, ठीक है। मेरे टाइम पे प्री बोला जाता था और मेंस बोला जाता था। आई गॉट इन 2009, 2009 में मैं, सॉरी 2005 में मैं आईआईटी गुवाहाटी ज्वाइन किया था, 2009 में मैं निकला था, 4 साल में निकल गया था, फेल नहीं हुआ था, ठीक है। चलो एवरीवन बाय। हाँ कीशा पूछ लो, तुम लोग 2005 में बॉर्न हुए हो, वेरी गुड। हाँ वही तो बोला ना कि तुम लोग काफी लोग, तुम लोग से ऑलमोस्ट डबल डबल है इन द सेंस, कुछ लोग 2005 में बॉर्न हुए होंगे, कुछ लोग 2004 में। मेरा 10th में कितने मार्क्स थे? मेरे 10th में मैथ्स में 98 मार्क्स थे, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज मेरी 89.5 समथिंग थी 10th में, सीबीएसई, सीबीएसई, ठीक है। बहुत बुरा लगा था कि 90 कुछ 2 मार्क्स से मेरा 90% छूट गया था, उस वक्त बुरा लगा था, अब नहीं लगता क्योंकि इट डजेंट मैटर। समझ में आ रहा है ना? उस वक्त बुरा लगता है ना, जैसे अभी तुम लोग के अगर बोर्ड्स में कम मार्क्स आएंगे तो अभी बुरा लगेगा, लेकिन वंस यू आर इन आईआईटी टॉप एंड आईटी गुड कॉलेजेस, नोबडी विल आस्क, ठीक है। 12th में मेरे 85% थे, 10th में मेरे 89 पॉइंट समथिंग थे, 12th में मेरे 85 पॉइंट समथिंग थे, क्योंकि 12th में मेरा थोड़ा ज्यादा फोकस ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा रेयर चांस होता है कि आईआईटी हो जाए और बोर्ड्स ना हो, मतलब ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। चलो एवरीवन, हाँ गुड नाइट बाय।
मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऑब्वियसली मैथ्स था, है अभी भी। बाय बाय।